तो आज व्लॉग कर रहे हैं ना गाइज। अभी मैंने जैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं हफ्ते में 3-4 व्लॉग तो डालने की कोशिश करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली एवरी ऑल्टरनेट डे डालूंगा, तो एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आएंगे और बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स ही बनाऊंगा। ऑब्वियसली आज का व्लॉग मैंने ये स्टार्ट किया, एक्चुअली मैं ऑफिस जा रहा था और मेरा एक पार्सल आ गया था, तो मैंने वो कलेक्ट कर लिया है अपने फ्रेंड से। तो स्टोरी कुछ ऐसी है आज के व्लॉग की कि मैं ये गोप्रो तो ले लिया और गोप्रो से मैंने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी थी। एंड जब मैं गया था मरीन ड्राइव, तो एक्चुअली मैंने फर्स्ट डे जब जाके मरीन ड्राइव का व्लॉग बनाया और घर पे आया तो मैंने देखा कि सारी वॉइस क्वालिटी की लगी पड़ी है, जो ऑडियो वगैरह था, कभी मैं माइक पे हाथ रख दे रहा हूँ गोप्रो के तो कभी हट जा रहा है, तो वो ऑडियो अच्छा नहीं था। तो मैं दोबारा जाके और फिर मैंने मरीन ड्राइव का व्लॉग शूट किया था। तो देन आई अंडरस्टैंड कि मुझे एक सेल्फी स्टिक चाहिए, तो मैंने अमेज़ॉन पे काफ़ी अलग अलग टाइप की सेल्फी स्टिक सर्च की, एंड सस्ते में तो 399 की कोई एक एक्शन प्रो की थी जो गोप्रो के लिए थी सेल्फी स्टिक, वो मुझे अच्छी लगी। बट देन आई थॉट यार पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अमेज़ॉन का जो अमेज़ॉन बेसिक उनके खुद के प्रोडक्ट की सेल्फी स्टिक आती है 959 950 के आसपास कुछ, वो ले लेता हूँ। तो मैं वो लेने ही वाला था, बट इतने में एक मेरा यूट्यूबर फ्रेंड है सुनील माली व्लॉग्स उनकी चैनल का नाम है, तो उन्होंने मुझे बताया कि फ्लिपकार्ट पे ऑफर्स आते रहते हैं एंड गोप्रो की खुद की जो सेल्फी स्टिक है जो कुछ 5600 MRP है और ऑनलाइन 4500 के आसपास बिकती है, उन्होंने वो 1000 रुपये में ऑर्डर किए थे। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि उन्होंने 2 ऑर्डर किए थे कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो वो उनको दे देंगे। तो वो सेल्फी स्टिक मुझे सिर्फ 999,000 रुपये में पड़ी गाइस, गोप्रो की सेल्फी स्टिक जो नॉर्मली 4500 में होती है। सो आई थॉट कि बहुत अच्छी डील है, ले लेता हूँ। तो चलो उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड देखते हैं कैसी है सेल्फी स्टिक। एंड अभी अपने एंगल्स वगैरह शॉट्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएंगे एक बार सेल्फी स्टिक यूज़ करने के टाइम, एंड वो ऑडियो वगैरह का भी मेरे को इशू नहीं होगा। अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो अभी मैं आ रहे में हूँ एंड चलो लोकेशन चेंज करते हैं फिर अनबॉक्सिंग करते हैं, जाते हैं ऑफिस की तरफ कहीं पर। ओके गाइस, तो ऑफिस के यहाँ आ गया हूँ, यहाँ पॉप टेट से पीछे वो साइड आपको दिखता होगा जो ब्लू ब्लू है, और ये सामने गार्डन है, यहीं पे अनबॉक्सिंग करता हूँ, बताता हूँ आपको कैसी है सेल्फी स्टिक, एंड देन चलते हैं ऑफिस में, काम भी करना है, पैसा यूट्यूब से नहीं आ रहा है कुछ। सो ये है अपनी सेल्फी स्टिक। तो ये एक्चुअली सुनील ने बोला था कि फ्लिपकार्ट के बॉक्स में आया है, बट ऑब्वियसली उसने खोल के देखा एंड मैंने भी खोल के देखा, इट्स मीन्स ओरिजिनल है। ये देखो ऐसे ही आता है ओरिजिनल बॉक्स में, ये है गोप्रो सेल्फी स्टिक। इफ़ यू सी प्राइस इसका कुछ 5600 बताता है, बट ये मुझे 1000 रुपये में सिर्फ पड़ी है। खोल के देखते हैं यार, ये मेरे सारे बॉक्स ना ऐसे एक हाथ से अनबॉक्सिंग में फट जाते हैं, बेच भी नहीं पाऊंगा कभी रीसेल करना हुआ तो, फटा हुआ बॉक्स कौन लेगा ना गाइस। ये रही वो सेल्फी स्टिक जिसका हमें था इंतज़ार, इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है यार, और साथ में ये दिया हुआ है, इसको अपन हाथ में लटका के कभी मतलब गिरेगी नहीं एटलीस्ट अपने हाथ से अगर ये हम बांधेंगे। और इसका सबसे अच्छा पार्ट मेरे को लगा ना ये जो बॉल हेड है, देखिए ये यहाँ से लॉक और अनलॉक हो जाएगा और ये कोई भी एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो चलो इस पर चेंज करता हूँ, इस पर लगाता हूँ एंड फिर देखते हैं कैसा है। सो गाइस अब मैंने लगा लिया सेल्फी स्टिक गोप्रो में एंड देखिए कितना ईजिली मैं होल्ड कर सकता हूँ, और काफ़ी अब वाइड और भी वाइड हो सकता है ये, वैसे तो इतने वाइड की ज़रूरत नहीं है ब्लॉगिंग के लिए। आई होप आप लोगों को आवाज़ आती होगी यार, आवाज़ मेरे को बताओ कैसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं अभी मेन रोड पे हूँ, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, तो एक अच्छा तरीके से गोप्रो के माइक का भी टेस्ट हो रहा है। एंड अब मैं ये सेल्फी स्टिक एक्सटेंड करता हूँ, ये 2 बार एक्सटेंड होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो अभी मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ, मुझे बताओ कैसी है। तो ये हो गई है 1 बार एक्सटेंड, एंड अब हम इसके करते हैं डबल एक्सटेंड, ये देखिए ये 1 बार एक्सटेंड हो गई है। अब ये हो गई है एकदम फुल तरीके से, पूरी तरीके से एक्सटेंड, एंड मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ इसलिए मैंने फॉर्मल पहने हुए हैं, तो ये फुल एक्सटेंड है। काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स आ सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से हम शॉट्स ले सकते हैं। तो इसकी मुझे क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी यार, अच्छी क्वालिटी है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रिप है इसका, एंड आपने देखा कितनी ज़्यादा एक्सटेंड होती है, तो अभी हम बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकते हैं।
एनीवेज गाइज, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, बिकॉज अभी बहुत अच्छा कंटेंट एंड काफ़ी लोकल मुंबई कंटेंट भी आने वाला है चैनल पे. प्यार बनाए रखिए. थैंक यू सो मच.